एक बार अमित जी ने एक सवाल पूछा कि किसने दहेज में चरखा और कुछ सूत मांगा था, वहां से मुझे ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि ऐसा आदमी कौन है। मैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानता तो जरूर था, लेकिन इतना नहीं जानता था कि उनका लाइफ और उन्होंने इतना संघर्ष किया था। और वो एक गुदड़ी के लाल थे जो गरीब परिवार में जन्म लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। और उसके बाद मैंने 2-2.5 साल करीबन रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जब मैंने स्क्रिप्ट तैयार की तो बॉलीवुड में ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है जिनके पास मैं नहीं गया हूँ। सबने कहा कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सॉरी कमर्शियल नहीं है, हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे में मेरे कॉमन फ्रेंड ने मदनलाल खुराना जो प्रोड्यूसर है जो दिल्ली से है उनसे मिलवाया, और मैंने एक लाइन उनको सिर्फ बताई इस कहानी के शॉर्ट लाइन। उन्होंने कहा मैं प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी है। और तब से लेकर आज हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। जय जवान जय किसान जो फिल्म है ये बड़े एक जज्बे के साथ बनाई गई। इनके साथ वो इन्होंने मिलजुल के ये पिक्चर बनाई है। हालांकि इनके जो फाइनेंशियल थी वो इस कदर खुले नहीं थे, लेकिन इन्होंने किसी तरीके से भी इंतजाम करके इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक बहुत ही पेट्रियोटिक फिल्म है, एक बहुत पेट्रियोटिक नारा है, जय जवान जय किसान जो शास्त्री जी ने दिया था, जो आज तक हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, दोनों ही फिर किसान और जवान। तो उनकी जो ख्यालात थे उसको अमल में लाने के लिए बड़े जोश और खरोश से ये सारी टीम ने फिल्म बनाई है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए और ये कामयाब होनी चाहिए। मैं भोपाल में हूँ, थिएटर करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतना बड़ा रोल मुझे मिलेगा। कहीं किसी एक डॉक्यूमेंट्री में छोटा सा कहीं सीन किया था, वो धीरज जी को कहीं से क्लिक किया, उन्होंने बुलाया और किया। काफ़ी मैंने जितनी मेहनत कर सकता था उतनी मेहनत की। अभी अब आप लोग बताएंगे कैसा किया। अब देखिए आप दुआ कीजिए कि ये पिक्चर चले ताकि हमारी आजकल की जनरेशन जो है उनको हिस्ट्री के बारे में मालूम हो। और राइटर ने बहुत उसे रिसर्च के बाद इसमें काम किया है हमारे राइटर साहब ने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी पसंद से उतरेगी। जी हाँ, हमें मौका मिला था, हमने शहीद के प्रीमियर भी उनको बुलाया था। उस वक्त शास्त्री जी ने कहा था कि शास्त्री में बस 10 मिनट है, मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, रह सकता मैं पिक्चर देखने के लिए। लेकिन जब फिल्म शुरू हुई तो इस कदर वो इन्वॉल्व हो गए, और भगत सिंह, सुखदेव और जो हम लोग थे वो सब हम मौजूद थे, उनके साथ बैठे हुए थे। तो हमने देखा कि वो बार बार अपनी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पूछ रहे हैं। इतने देश इतना जज्बा था उनको, फैक्ट कि यार जंग लड़कों ने अपनी कुर्बानी दे दी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। तो ये उस वक्त हुआ। और जब पिक्चर पूरी पिक्चर देखी फिर उन्होंने, पूरी फिल्म देखने के बाद मनोज कुमार के जब हुए तो उन्होंने स्टेज पर आके बोला कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है मनोज कुमार से कि वो ये पिक्चर बनाए, जय जवान जय किसान, उस वक्त ये नारा लगाया था। बस इतनी मुलाकात, बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी, नहीं बता सकता। और फिर वो मनोज कुमार को जब बताया तो उन्होंने बड़े सीरियसली कहा कि भाई ये फिल्म ऐसे बनानी चाहिए कि किसानों को एक ख़ास इज्जत दो, उसके बाद हमारे जवान जो बॉर्डर जो जो हमें सीमा पर या हर जगह पर इतना ख्याल रखते हैं, रक्षा करते हैं, तो वो उसके बारे में फिल्म बनाओ, ऐसी हो जो आम आवाम तक भी पहुंचे, कमर्शियल भी हो आवाम तक भी पहुंचे। तो वो पिक्चर ने फिर जन्म लिया। कौन सी फिल्म? उपकार। तो वो उन्होंने सारा स्क्रिप्ट जो है हवाई जहाज में तो चढ़ते ही नहीं, तो दिल्ली से बम्बई आ रहे थे पूरा बुक करके, तो उन्होंने बाई द टाइम ही रीच बॉम्बे ही हैड द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी। रिसर्च में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, लेकिन मेरा खुद का कंक्लूजन है कि उनकी मौत सस्पेक्टेड तो थी, क्योंकि हार्ट अटैक सडनली नहीं आता है, और अगर आता भी है तो उसके सिम्टम जहाँ तक मैंने सुने हैं उस तरह के वो सिम्टम नहीं थे जो उनकी मृत्यु के ठीक पहले आए। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि उनकी मौत सस्पेक्टेड तो थी, लेकिन हमने अंत क्या दिखाया इसके लिए तो आपको। दरअसल जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये पाया कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो जीवन काल है वो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन काल के 1 साल आगे पीछे ही है,
और उनका भी जो एक्टिविटी थी वो इलाहाबाद बनारस के उसमें ही थी, तो मैं चाहता था कि एक नरम चीज अगर सामने आ रही है तो एक गरम दल की भी एक्टिविटी सामने आ सके, इसलिए मैंने चंद्रशेखर आजाद का भी इसमें ट्रैक रखा। और लाल बहादुर शास्त्री से रिसर्च से जुड़ी हुई जब ये एक फाइल मैं बना के उनके बेटे सुनील शास्त्री से मिला तो उन्होंने कहा कि बाबूजी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे नहीं मालूम थी जो आपकी रिसर्च से पता चली, और वो मुझे बोल अभी भी मुझे अपना छोटा भाई ही मानते हैं और मुझे बराबर उनके फ़ोन आते रहते हैं और मुझे हमेशा वो इसके लिए तारीफ करते हैं। गांधी जी की कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी जी की बात को उतना सही नहीं मानते, आप बताएं कौन सी बात थी? कहीं हम गरम दल के लोग गांधी जी की बात को नहीं मानते, नहीं ऐसे कोई बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं शास्त्री जी बता रहा हूँ, लेकिन शास्त्री जी के बारे में जहाँ मैंने पढ़ा बचपन से शास्त्री जी के बारे में कहीं किसी तरह का कोई निर्विवाद है ही नहीं, चाहे वो गरम दल वाले हो और सब उन्हें लाइक करते हैं। आज का यंग जनरेशन बहुत ही फास्ट सक्सेस चाहता है और जब वो फिल्म देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता। मैंने भी बंबई में 14 साल संघर्ष करने के बाद ये पहली फिल्म लिखी है। हमारे मन में बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में रिलीज करेंगे बीजेपी गवर्नमेंट, मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक एक आदमी के प्रधानमंत्री हैं और वो एक एक लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको पार्टी पॉलिटिक्स इस सबसे बहुत वो ऊपर है, वो किसी भी पार्टी के नहीं थे, वो जन जन के नेता थे। नहीं उसमें चूंकि नए लड़कों को लिया क्योंकि उसमें जो कहानी थी वो कहानी के हिसाब से जज करने के लिए नए कलाकार ही चाहिए थे। और आपने पूछा कि मैं आगे किसका बायोपिक बनाना चाहता हूँ, मुझे इंदिरा गांधी के ऊपर बायोपिक बनाने की बड़ी इच्छा है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के रिसर्च के दौरान उनसे उनके जीवन से जुड़ी हुई कई बातें मुझे पता चली और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, शायद भविष्य में इंदिरा गांधी के ऊपर मैं बायोपिक करूँ।